अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। फिर दोस्तों आज एक स्पेशल बेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई मछली जो क्लाइंबिंग पर्च होता है, जिसकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका हुक चराई के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको उसका हुक बेट के बारे में बताऊंगा कि भाई महबूब भाई, आपने तो चराई के कहले में कह दिया चराई के बारे में, पर इसका हुक बेट कैसे बनाएं, आपका सवाल हो सकता है। तो उसके लिए आज मैं आपको इसके हुक बेट के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे साथ आप बने रहे वीडियो के एंड तक। कुछ बताने या कुछ दिखाने से पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा आप वीडियो देख लें, जो कि इस तरह की कोई मछली पकड़ने के लिए एक रॉड के ताल्लुक से होगा, जो आप ले सकते हैं हमसे और इसका इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपको मछली काफ़ी कम समय में ज़्यादा मछली आपको पकड़ने में आसानी होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट बिना किए मैं आपको इस वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस बेट के बारे में बात करता हूँ। तो उसके लिए आपको जो रॉड का इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप रॉड देख रहे हैं दोस्तों, ये गालिबन समझ लीजिए कि 2 फुट है, ये पूरा 2 फुट है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा 2 फुट है, समझ रहे ना। और ये अगर हाथ में आप लेंगे ना, तो ये गालिबन 50 से 60 ग्राम की है पूरी रॉड, ये पूरी रॉड 50 से 60 ग्राम की है। इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों, ये बेसिकली बहुत जगह में लोग कार्प मछली पकड़ने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी अलग अलग क्वालिटी आती है, बहुत दामी दामी भी आता है, जो कि बड़ी बड़ी कार्प मछली भी इसमें उठा सकते हैं आप। पर ये जो नॉर्मल जो क्वालिटी है, इसमें आप 1.5 किलो मछली तक, बड़ी मछली में अगर बात करूँ तो 1.5 किलो मछली तक आप उठा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नीचे में रील सीट लगा लें, रील सीट जो होता है मशीन जिसमें सूता रहता है, रील सीट लगा करके अगर रील लगा करके मछली पकड़ें तो 3 किलो तक मछली आप इसमें पकड़ सकते हैं। ये ऐसा होता है ना, ये निकलता है, निकलने के बाद देखिए ये जो है ना, देखिए देख रहे हैं, ये तो ये ऐसा होता है, ये तकरीबन खुल करके पूरा तकरीबन 12 फीट की हो जाती है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये एक ऐसा है सिस्टम, ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है दोस्तों, ये आपको अगर लेना हो तो हमसे ले सकते हैं। ऐसे तो मार्केट में इससे ऐसे टाइप के सामान मिलते हैं, पर उसकी थोड़ा क्वालिटी और उसका मैटर होता है, भारी भारी काफ़ी मिलता है। ये 40 से 50 ग्राम या 60 ग्राम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सेटअप आप अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पट 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 आप टेंगरा मछली मार के उठा सकते हैं, 1 मिनट में 5-6 उठा सकते हैं। लोग हैं जो मारते हैं, एक बार आपको यूज़ हो जाओगे ना, 1-1 मिनट में आप 5-6 टेंगरा मछली उठाओगे, टेंगिन 5-6 उठाओगे, समझ रहे हो ना। तो ये एक सेटअप हुआ जो रॉड के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करते हैं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कांटा की बात करें हम, तो कांटा के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ये कांटा इस्तेमाल करें, ये काफ़ी छोटी कांटा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके ताल्लुक से भी। ये देखिए आप, देख रहे हैं कितनी छोटी, मेरे उंगली में कितनी छोटी लग रही है। तो दोस्तों जबकि हमने वीडियो देख लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको रॉड काफ़ी पसंद आया होगा। यही रॉड का 4 क्वालिटी है, सस्ता से लेकर महंगा तक, जैसा माल आपको चाहिए वैसा माल आपको मिल जाएगा। पर याद रहे ये छोटी मछली के लिए है, बड़ी मछली के लिए आप हो सकता है कि ये तोड़ ताड़ के बराबर कर दो, ठीक है। तो छोटी मछली के लिए इस्तेमाल करें आप, और मैं गारंटी देता हूँ छोटी मछली के लिए आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है, और आप अच्छी ज़्यादा मात्रा में तादाद में मछली मार सकते हो। तो चलिए आप शुरू करते हैं। इसके लिए जो पहला चीज़ आपको लगेगा दोस्तों, वो है आटा। आटा का मतलब होता है गंदम का आटा, या इंग्लिश में कहते हैं व्हीट फ्लोर, या और एक लोकल लैंग्वेज में कहेंगे, मैं कहूँगा आपको वो है गेहूं का आटा, ठीक है, जिसकी फ़ोटो आप देख रहे होंगे। तो गेहूं का आटा तकरीबन आपको लगेगा 50 ग्राम, ठीक है। फिर आपको जो लगेगा वो है पार्ली जी बिस्किट। पार्ली जी बिस्किट आपको याद होगा, बचपने में हम लोग खाया करते थे, हम में से आप में से बहुत सारे होंगे जो अभी भी खाते हैं, कोई ख़राब बात नहीं है इसमें, खाते हैं, खाने की चीज़ है। बहरहाल तो आपको एनर्जी बिस्किट कोई भी लगेगा, पार्ली जी या कोई भी एनर्जी बिस्किट, सनफिस्ट का भी बहुत सारा बिस्किट आता है एनर्जी बिस्किट, तो वो कोई भी बिस्किट आप ले लीजिए, दो पीस सिर्फ बिस्किट लगेगा आपको। अब क्या है, आपको जो तीसरा चीज़ लगेगा वो है एंड एग, मतलब चूटी का अंडा। अगर चूटी का अंडा नहीं मिलता आपको तो आप उसके जगह में बोलता इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलता क्या होता है,
बोलता, उसकी फोटो आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं। इसको इंग्लिश में वास्प कहते हैं, ठीक है। इसी का बच्चा या अंडा जो ये अपने छत्ते में देते हैं उसी को आप लगेगा। अब ये कहाँ मिलेगा, अगर आपके वहाँ पर ही मिलता हो मछली पकड़ने के सामान की दुकान में तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप जंगल में देखिए इधर उधर नजर घुमा के आपको बोलता का छत्ता नजर आ जाएगा, उसका घर नजर आ जाएगा। बस तोड़ ताड़ कर कैसे भी उतार लीजिए प्रोटेक्शन को लेते हुए, क्योंकि बहुत 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 भयंकर काटती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ले लीजिए। अब क्या करना है, आटा में आपको एनर्जी बिस्किट जो है पार्ली जी या सनफिश वगैरह जो भी बिस्किट हो उसको पहले पाउडर कर लीजिए आप, पार्ली जी बिस्किट को पाउडर कर लीजिए। पाउडर कर लेने के बाद उसको आप आटा के साथ, सूखा ही आटा के साथ पूरा अच्छे तरीके से मिला दीजिए। मिला देने के बाद इसको जब मिला दिए फिर इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा चूटी का अंडा दीजिए, ठीक है। और आपको पानी नहीं देना है इसमें, चूटी का अंडा में काफ़ी पानी रहता है या बोलता में काफ़ी पानी रहता है, वही चीज़ से आपको इसको सानना है। अगर थोड़ा कम हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी छिट करके आप सान लीजिए, मगर कोशिश करें कि आप चूटी अंडा का ही पानी से सानें, क्योंकि इसमें लिक्विड ज़्यादा होता है या फिर बोल्टा का लिक्विड ज़्यादा होता है उसके अंदर, उसमें वही से सानें आप। तो इसको अच्छे तरीके से सान लीजिए। अब उसके लिए जो कांटा का इस्तेमाल होता है वो छोटा छोटा कांटा होता है, छोटा कांटा एकदम छोटा साइज़ का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप लगाएं छोटा थोड़ा करके और फेंकें आप, इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मछली हो जाएगा। बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, जज़ाकअल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।